देखिए माँ, आप तो जानते ही है कि समय कितना खराब है और जमाना जमाना तो कितना बदल गया है। अरे लोग तो अब ऐसा हो गया है माँ कि हमको उनको खुद का भालो करने के लिए उनको खुद को बेवकूफ बनाना पड़ता है। तो माँ आप तो जानते हैं ना कि हम ऐसा नहीं है। अरे हम तो इस घर को सिर्फ इसलिए बेचने के लिए कह रहा है कि यह घर बिक जाएगा तो 4 पैसा आएगा, है ना। फिर इसके बाद में इस बांद्रा वाले पुराने फ्लैट को बेच के हम लोग बोरीवली में एक ठो बड़ा नया अच्छा घर ले सकता है ना। और उसके बाद में जो भी पैसा बचेगा उससे आप अस्मिता को निपटा देना। मेरा मेरा मतलब है कि अस्मिता की शादी कर देना। माना कि अस्मिता हमारी बेटी नहीं है किंतु हमको उसकी फिक्र है, उसकी चिंता है हमको, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। किंतु आप तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो अगर ये घर बिक गया तो उसका सारा पैसा हमारे खीसे में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है माँ जी, ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ एक ही वक्त में आपकी कोशिश कर सकते हैं। अगर ये घर नहीं बिका ना तो पड़े रहना इसी ताजमहल, टूटे भांगे ताजमहल में। आप लोग कोई भी देखने के लिए नहीं आएगा आपको, और ना ही कोई आपको पूछने के लिए आएगा। समझा रहे हैं हम आपको। सोचो जरा ठंडे दिमाग से, सोचो कि क्या करने का है। हम फिर आएगा, चलता है हम। नमस्कार।